जागरूकता रखिए, अपने कर्म के प्रति जागरूकता रखिए। और मेरे देवाधिदेव महादेव की कथा कहती है कि मेरे शिव भगवान नारायण शेषनाग की सैया पर विश्राम करते हैं, भगवान ब्रह्मदेव कमल के पुष्प के ऊपर विराजमान होते हैं, इंद्रदेव अपने सिंहासन पर विराजमान होते हैं, पर मेरे जो देव अधिदेव महादेव हैं वो कैलाश पर जब तप करना होता है, जब साधना करना होती है, तब मेरे महादेव कैलाश पर रुकते हैं और बाकी के समय पर मेरे महादेव संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए आगे बढ़ते रहते हैं। मेरे देव अधिदेव महादेव, मेरे शिव, मेरे शंकर, मेरे ओघड़ी। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं सांस तेरी कृपा से तनु तनु, बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भगोत में खजाना कुबेर का। हे गंग धार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहारे शंभु तार तार। एक भक्ति का और विश्वास की डोरी, एक विश्वास की रस्सी को जिसने पकड़ कर रखा है, विश्वास की रस्सी को जिसने पकड़ लिया, विश्वास की रस्सी को जिसने पकड़ कर रखा, वो संसार सागर में कभी डूबा नहीं। कई लोग कहते हैं भगवान को बुलाने की जरूरत पड़ती है, भगवान को बुलाने की जरूरत पड़ती है। क्यों भगवान को बुलाया जाता है? कई लोग कहते हैं अगर भगवान है, परमात्मा है, शंकर जी हैं, नारायण हैं, ब्रह्मा जी हैं, इंद्रदेव हैं, यदि परमात्मा है तो फिर अगर परमात्मा है तो इनको बुलाने की जरूरत क्या है, इनको क्यों पुकारा जाए, इनको क्यों बुलाया जाए? हम निवेदन करेंगे, मां को मालूम होता है कि मेरा बेटा चार रोटी खाता है, माँ को मालूम है कि मेरे बेटे को पांच रोटी मेरा बेटा खाएगा। आप में से कितनी माताएं बैठी हैं जो अपने बेटे की थाली में पांच रोटी एक साथ रख देती हैं? कोई रखती होगी? नहीं। संसार की कोई माँ ऐसी नहीं होती जो अपने बेटे की थाली में पांच रोटी, चार रोटी, छह रोटी, आठ रोटी, जितनी रोटी बेटा खाता है उतनी रोटी माँ रखती हो, ऐसी संसार की कोई मां नहीं है।